आर्टिकल्स, इंडक्शन, सीवी, इंटरव्यूज, इस तरह की सारी जो बात है वो कर लेते हैं। सो बेसिकली यार देखो, पहले ये होता था कि 200-300 स्टूडेंट्स, 400 स्टूडेंट्स मॉड्यूल डी क्लियर करते थे, और मॉड्यूल डी क्लियर करने के बाद, सी इंटरमीडिएट करने के बाद, फर्ग्यूसन तकरीबन 90-95 लोग उठाता था, केपीएमजी तकरीबन 50-60 तक लोग उठाता था, ईवाई का रेशियो तकरीबन 30-35 का था, और डिलॉइट जब यूसुफ आदिल का पार्ट था तो तकरीबन 25-30 का रेशियो वहां पे था। तो 200-250 की पॉपुलेशन इस तरीके से मुकम्मल हो जाती थी, बाकी 50-60 लोग 70 लोग ऐसे होते थे जो मुश्किल। अब आवाज आ रही है सबको? इज इट प्रॉपर नाउ? सही। सो पहले ये होता था कि रिक्वायरमेंट सारी मीट हो जाती थी, सीटिंग कैपेसिटी पूरी हो जाती थी। अब कैफ में तकरीबन लोग कितने निकल रहे हैं? 965, 1100, 1050। और इंडक्शन की कैपेसिटी कितनी है? फर्ग्यूसन 25, केपीएमजी 15, ईवाई का पता नहीं कब हायर करता है, कब ऑफर भेजता है, यूसुफ आदिल अपनी जगह पे एक छोटा सा नंबर। तो मिला के ये 100 लोगों की भी प्लेसमेंट नहीं है। इसके बाद फिर बीडीओ, फिर उसके बाद जीटी, जिन फर्म्स का नाम मैंने कभी नहीं सुना था, लोग वहां रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार हमारा रेफरेंस यहाँ लगवा दे। मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैंने उन जगहों का नाम नहीं सुना होता जो स्टूडेंट्स मुझे बताते हैं कि यार ये फलां फर्म है, बल्कि स्टूडेंट्स से सुन सुन के हमें पता चला है कि यार ये मार्केट में ग्रोइंग फर्म है, ठीक है, इसका नाम आहिस्ता आहिस्ता इमर्ज कर रहा है। सही। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज रहा है कि पाकिस्तान में परसेप्शन ये है चार्टर्ड अकाउंटेंसी में कि यार आर्टिकल्स हैं तो बिग फोर्स है, और आर्टिकल्स अगर बिग फोर्स से नहीं है तो वो आर्टिकल्स ही नहीं है। हालांकि इस वक्त ये प्रैक्टिकल सिनेरियो बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर एक और प्लेयर इसके अंदर आया जिसको आप कहते हैं इंडस्ट्री, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट रख के ट्रेनिंग आउटसाइड प्रैक्टिस। सही है। सो पहले ये समझ लो कि प्रैक्टिस किसको कहते हैं, बिजनेस किसको कहते हैं, कहाँ पे आप रह सकते हैं, कहाँ पे कैसी आर्टिकलशिप होगी। मैं इसलिए बता सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ भी रहा हूँ, पाकिस्तान से बाहर भी रहा हूँ, और यहाँ की इंडस्ट्री में भी रहा हूँ। इंडस्ट्री में भी यूनिलीवर का पार्ट था, तकरीबन मैंने वहाँ पे 2 साल वहाँ काम किया। आई डिड 4 रोल्स ओवर देयर। मैंने 4 तरीके के डायमेंशन वहाँ फाइनेंस में देखे हैं, तो मैं आपको बता सकता हूँ कि इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कैसे होती हैं, फर्म में कैसे होती है। पहले तो आर्टिकल्स का एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये समझ लो कि ये ट्राइपार्टाइट एग्रीमेंट है जिसमें आप, आईकैप और आपका ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन तीनों पार्ट होते हैं। तीनों की सर्वेलेंस में एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है जो जिस दिन साइन होगा, जो उस कॉन्ट्रैक्ट की डेट होगी, वहां से 3.5 साल आपने पूरे करने, एक्सेप्ट फॉर द पर्सन जो आईबीए अलाउंस की एग्जेम्पशन लेके आ रहे हैं, उनके लिए पीरियड 3 साल है। आपके लिए पीरियड कितना है? 3.5 साल। अगर 1 दिसंबर ये आर्टिकल स्टार्ट नहीं होती तो आपकी दिसंबर 22 वाली अटेम्प्ट जाया हो जाए, वो जाएगी जून 23 में, क्योंकि जब आप 1 दिसंबर को रजिस्टर नहीं हुए होंगे तो 30th नवंबर 2022 आपका 1 साल पूरा नहीं हुआ होगा। काउंट कर लो, 1 दिसंबर 2021 आपकी अगर रजिस्ट्रेशन होती है तो ये 30 नवंबर 2022 को 1 साल पूरा होगा, और फिर आप दिसंबर के पहले वीक में आर्टिकल्स कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स, मैं नाम नहीं लेना चाह रहा लोगों को, काफी मैं बुरा लगता हूँ फर्म्स की बुराई करते वक्त, मुझे लोगों ने बोला भी ये पकड़ के, लेकिन मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत बड़ी बड़ी फर्म्स ये काम कर रही है कि 6 तारीख को रजिस्ट्रेशन करेंगी, 12 को करेंगी, 15 को करेंगी, अपना इंडक्शन पीरियड आगे बढ़ा देंगी। गुस्सा या जो जो मसला है पूरा वो इस बात का है कि आईकैप ने इनकी एक अटेम्प्ट बढ़ाई क्यों, अब ये ज्यादा लीव्स पर जाएंगे। जाहिर है तुम्हारी 1 साल बाद अगर पहली अटेम्प्ट बनेगी तो 3.5 साल के आर्टिकल्स में जो पहले 4 बन रही थी वो अब कितनी हो गई? 5। और जो बिल्कुल आर्टिकल्स के नुक्कड़ पे, यानी मई में आर्टिकल्स खत्म होती थी तो जून की, और नवंबर में आर्टिकल्स खत्म होती थी तो दिसंबर की बिल्कुल आखिरी अटेम्प्ट होती थी जो बिल्कुल आर्टिकल्स के साथ एडजस्टेंट होती थी, वो आप मिला लो तो पहले 5 का ऑप्शन था और अब 6 का ऑप्शन। इस तरीके से ओवरऑल लेवल पे डिजाइन हो गया। फर्म्स ने रजिस्ट्रेशन को 6-7 दिन लेट करके ये कोशिश ही खत्म कर दी कि आपको ये एक अटेम्प्ट एक्स्ट्रा दे सकें। जी उवैस भाई कुछ कह रहे? थोड़ी देर में खत्म कर दूंगा बस, इन लोगों से मैंने पूछ लिया, ये सेगमेंट रह गया था पूरा। सही। सो बेसिकली ये सबसे बड़ा मसला ये आता है कि आपकी अटेम्प्ट वैसे भी एक निकल जानी है, तो कोशिश ये करो कि एज क्विक एज पॉसिबल आपकी इंडक्शन कहीं पर हो जाए, आपकी आर्टिकल्स कहीं पे स्टार्ट हो जाए। इस वक्त करीब करीब एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 2000+ स्टूडेंट्स हैं, वो आर सिटिंग एट होम एंड डज नॉट हैव एनी आर्टिकलशिप वाली अपॉर्चुनिटी। सो सबसे पहली बात कि ये स्टार्ट होगी तो रजिस्ट्रेशन के कॉन्टेक्स्ट से स्टार्ट होगी, वरना स्टार्ट नहीं होगी। अब लेट्स से अप्लाई किस तरीके से करना है, या तरीकाकार क्या होना चाहिए, फिजिकली या ऑनलाइन, जहां जहां सीवी ड्रॉप कर सकते हो कर दो।
फिजिकली जाके सीवी दी, घर पर आके उन्हें एक ईमेल करो कि मैं आया था, मैंने फलां बंदे को ये सीवी हैंड ओवर की है। कुछ भी नहीं करना, उस फर्म की जगह ऑफिस विजिट करना है, रिसेप्शन पे जाना है, उनसे कहना है मुझे सीवी ड्रॉप करनी है, क्या क्वालिफाइड पर्सन, ये मेरी सीवी है, काइंडली स्टॉप रिसीव करना। जो भी आपसे सीवी रिसीव कर रहे हैं उसका नाम पता करना। फिर उसके बाद उस फर्म की वेबसाइट के थ्रू, पेज के थ्रू, फेसबुक पेज के थ्रू, जहां आपको उनका ईमेल एड्रेस मिलता है उस पर एक मेल पे डाल दें कि यार मैं आया था इस पर्टिकुलर टाइम पे, ओवरऑल लेवल पे मेरी ये सीवी, ये नाम है, ये सीवी है, मैंने इस बंदे को हैंड ओवर की थी। ठीक है, सीवी बनानी किस तरीके से है वो एक सिंपल उसमें बता देता हूँ। डिसेंट और बिल्कुल सिंपल सीवीज, अगर आप लोगों को देखना है तो गूगल पे जाके मैकेंजी सीवीज लिखें, आगे बस फॉर्मेट्स आ जाएंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, उसमें लाल भी होता है, काला भी होता है, हरा भी होता है, पीला भी होता है, नीला भी होता है, इतने सारे कलर सीवी के अंदर नहीं डालना। प्रोफेशनल फॉन्ट, नॉर्मल साइज, पढ़ने वाला अंधा नहीं है, 22x22 के फॉन्ट साइज में नहीं लिखना। लोग अपना इतना बड़ा नाम लिखते हैं, फिर उसको बोल्ड करते हैं, फिर उसको अंडरलाइन करते हैं, फिर उसको कलर करते हैं और बराबर में अपनी तस्वीर भी लगाते हैं। इतना नहीं होना चाहिए सीवी में, देख के एक माइल्ड लुक आना चाहिए सीवी को, हाँ यार प्रोफेशनल है। ग्रामेटिकल मिस्टेक अगर मुझे किसी सीवी में आज भी मिलती है मैं सीवी फाड़ देता हूँ। यार ये बंदा अभी सीवी को वक्त नहीं दे सकता, मेरे ऑफिस आके मुझे टाइम क्या देगा, इतना भी फोकस्ड नहीं है। वर्ड के अंदर F7 का नंबर दबाओ, स्पेल चेक चल जाता है, तो स्पेल चेक लाजमी चलाना है। ठीक है, canva.com है, दूसरी इस तरह की वेबसाइट्स हैं, आपको बहुत सारे टेम्पलेट सीवीज मिल जाएंगी, लेकिन सीवी के ऊपर इतना ज्यादा अपना लेट्स से आर्ट वर्क नहीं दिखाना है। सीवी का मकसद सिर्फ सिर्फ आपको इंटरव्यू के स्टेज तक लेके जाना है। सीवी शुड बी डिसेंट एंड सिंपल, ब्लैक एंड व्हाइट तरीके में हो, कि आपका व्हाइट बैकग्राउंड है, ब्लैक टेक्स्ट से आपने लिखा है, सीधा नॉर्मल तरीके से लिखा हुआ है, सबसे पहले नाम, आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन, अगर लिंक्डइन प्रोफाइल बना हुआ है तो लिंक दो वरना ना दो। ठीक है, आपका नाम आ गया, आपकी FTS आ गई, दो तीन और इस तरह की नॉर्मल चीजें आ गई, फिर उसके बाद आपकी एजुकेशन बेस्ड सीवी है, वर्क एक्सपीरियंस बेस्ड सीवी नहीं है। तो सबसे पहले आपकी एजुकेशन की डिटेल्स आएंगी, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं या आपने किसी किस्म की कोई टीचिंग की हुई है तो उसको एज अ हॉबी दिखाओ, एक्स्ट्रा करिकुलर दिखाओ। इतने इनसिक्योर टाइप के लोग होते हैं फर्म्स में कि ये इसको समझते हैं कि भाई आर्टिकल्स में आएगा तो ये पढ़ाता रहेगा, हमारे काम को तवज्जा नहीं देगा, तो इसको एज अ वर्क एक्सपीरियंस कभी भी नहीं दिखाना। फ्रीलांसिंग करते हो, एक्स्ट्रा करिकुलर के तौर पर दिखाते हो, अच्छी बात है, एज अ वर्क एक्सपीरियंस मत दिखाना। आपका कोई अपवर्क पे, फाइवर पे बहुत अच्छा कोई प्रोफाइल है, एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो, थोड़े बहुत डॉलर कमा लेते हो, सीवी पे दिखाने की जरूरत एज सच वर्क एक्सपीरियंस में नहीं है। एक्स्ट्रा करिकुलर में भी दिखाओ तो ये एक तासुर जा सकता है कि यार ये ऑडिट के साथ ये फ्रीलांसिंग के काम कर रहा होगा, तो अगर इस तरह की इन्फॉर्मेशन को ना ही डिस्क्लोज किया जाए तो बेहतर है। ठीक है, अव्वल तो अपने काम को कॉम्प्रोमाइज करके कोई और चीज़ ना करो, और अगर बहुत मजबूरी कर रहे हो तो फिर उसको हैंडल करना आपको बहरहाल आना चाहिए। सही, फिर उसके बाद एजुकेशन बेस्ड सीवी के बाद आपकी सर्टिफिकेट्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स, क्या क्या आपने जिंदगी में ऐसा किया है जो किसी कंपनी के लिए जरूरी है। ये मत लिख देना कि मैंने बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज की थी, उससे आपके एम्प्लॉयर को कुछ लेना देना नहीं। कुछ स्पीच कॉम्पिटिशन था, स्पोर्ट्स था, कोई आपने आर्टिकल लिखा है, कंटेंट राइटिंग की है, इस तरह का कोई काम किया है, वो आप मेंशन करें, लाजमी मेंशन करें। इससे पता चलता है कि आप जमाने में कितने वेल वर्स्ड हैं और आपको एक्स्ट्रा करिकुलर फ्रंट पे कितनी चीजें आती हैं, राइट। फिर उसके बाद रेफरेंसेस सीवी के अंदर मेंशन करने की कोई लाजमी जरूरत नहीं है, रेफरेंस बाद में भी दिया जा सकता है, विल बी फर्निश्ड अपॉन रिक्वेस्ट। और फिर कब आपकी अवेलेबिलिटी होगी, आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आपकी नेशनैलिटी क्या है, इस तरह की तीन चार चीजें सीवी के बॉटम में आनी चाहिए। ठीक हो गया, कोई भी एक्स्ट्रा करिकुलर वगैरह आपने चीजें की हैं तो वो उसमें हो। प्लस एक और चीज होती है ग्रेडिंग के तौर पर, आप अपनी क्वालिटीज और स्किल्स बताते हैं, उसमें कुछ लोग लिखते हैं बुक रीडिंग बिल्कुल 500%। अब ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि किसी ने 100% किताबें पढ़ी हुई हो या वो बहुत ही ज्यादा एक अविड रीडर हो, चंद एक लोग हो सकते हैं, हर कोई नहीं हो सकता। तो लीडरशिप हो, कोऑर्डिनेशन हो, टीम वर्क हो, टीम प्लेयर हो, रीडिंग हो, स्पोर्ट्स हो, अगर आप उसको ग्रेड्स दे रहे हैं तो लेट्स से 3 out of 5, 4 out of 5, 4 marks रखें। ऐसा ना कीजिएगा कि आप इतनी ग्रेडिंग दे दें कि सामने वाले के सामने जस्टिफाई करना मुश्किल हो जाए। ये हो गई सीवी वाली बात, ड्रॉप कर दी सीवी, हर जगह ड्रॉप करनी है जहां अपॉर्चुनिटी मिलती है, चाहे आपको जगह पसंद हो ना हो, इंटरव्यू सब जगह आपने देना है, शायद वो जगह समझ में आ जाए, इंटरव्यू सब जगह देना है। सीवी वाला पार्ट डन हो गया, इंटरव्यू के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, स्टे कॉन्फिडेंट। बिल्कुल प्रोफेशनल टाइप की ड्रेसिंग चाहिए, शॉकिंग पिंक कलर का सूट पहन के नीचे ग्रीन पैंट पहनने की जरूरत नहीं है, ब्लैक सूट, नेवी ब्लू सूट, रॉयल ब्लू, डार्क ब्राउन, ग्रे टाइप के जो सूट्स होते हैं बड़े पर्टिकुलर, D3, एक अच्छा शलवार कमीज, डिसेंट लुक आपका उसका आ रहा है, दैट इज परफेक्टली फाइन। ठीक है, कोई खवातीन एग्जाम वगैरह लेती हैं तो उसमें कोई ऐसा मसला नहीं है, इसको जज इंटरव्यू में कभी नहीं किया जाता। और जहां तक बर्द हजरात की बात है, यार सूट जरूर कैरी करो, बहुत हुआ 6-7 हजार का सूट होगा, 7-70 इंटरव्यूज दोगे, अमोर्टाइजेशन 100-150 रुपए की आएगी,
सूट काम में आ जाएगा। सही, ऐसा नहीं करना कि पैसे बचाने के लिए आप एक प्रॉपर सूट ना लें इंटरव्यू में, बहरहाल आपके पास सूट वाली चीज होनी चाहिए। इंटरव्यू में जिस शख्स से मिलने के लिए जा रहे हो सकता है ऑनलाइन इंटरव्यू हो सकता है फिजिकल इंटरव्यू, अब ये दोनों चीजें आ गई हैं। अगर ऑनलाइन है कोशिश करो कैमरा तुम्हारा अच्छा हो, वेबकैम प्रॉपर हो, और अगर नहीं है तो किसी दोस्त से या किसी से एक आध दिन के लिए लैपटॉप या कोई एक्सटर्नल वेबकैम ना मार्केट से खरीद लो, या लैपटॉप उधार ले लो, बोरो कर लो। कोशिश ये होनी चाहिए कि आप वेल ड्रेस प्रॉपरली उनके सामने बैठे और सूट कंप्लीट पहन के बैठिएगा, कि जो ट्राउजर के ऊपर कोट पहन के लोग बैठ जाते हैं, पता चला कोई चीज कैमरा वैमरा खराब हुआ, इंटरनेट का कोई मसला हुआ, आप उठे बंदे बुलाड़े ऊपर सूट नीचे नाइकी, तो वो बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है उसके अंदर। सही, तो उस तरह की चीज बारह नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर वेल ड्रेस तरीके से आप कैमरे के सामने बैठे, अगर फिजिकल जा रहे हैं वहां पे पहुंचे, अच्छी नाइस डिसेंट ड्रेसिंग। और देखो एक बात याद रखो, मैं एक अरसे से जिस तरीके से बात कर रहा हूँ, तकरीबन मुझे 11 साल हो गए पढ़ाते हुए, अब मुझे सोचना नहीं पड़ रहा कि मैं हैंड मूवमेंट करूं, मैं वॉक करूं, ये ऑटो पे हो रहा है ना। तो आपका भी एक नेचुरल स्टाइल है बात करने का, एक नेचुरल तरीका है अपना मैसेज करने का। अगर आप इंटरव्यूअर के सामने फेक बनेंगे तो उसको पता चलेगा आगे बन रहा है। जहां तक रही लैंग्वेज की बात, अगर वो इंग्लिश में सवाल पूछ रहा है आप इंग्लिश में जवाब दें, अगर वो उर्दू में पूछ रहा है तो आप उर्दू में जवाब दें, उसूल इस तरीके से बनता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, आपसे अंग्रेजी नहीं बोली जा रही, तो फिर शायद आप उर्दू में बात कर लें, लेकिन अक्सर आवाम इसे इतना अच्छा नहीं समझती। ये मैं बड़ा ओपनली आपको बता रहा हूँ। सही, इंटरव्यू के हवाले से बात हो गई। मान से आपने सीवी ड्रॉप की, आपको इंटरव्यू कॉल आ जाती है, तो फौरन आपको बोलेंगे ज्वाइनिंग कब दे सकते हो। ज्वाइनिंग का डिसीशन लेने के लिए एक दिन मांगना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। उनको ये नहीं बोल दीजिएगा कि नहीं मैंने फेडरेशन में इंटरव्यू देना है, उसके बाद बताऊंगा कि ज्वाइन कर रहा हूँ या नहीं कर रहा। लेकिन भारत अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन अच्छी लगती है, इंटरव्यू आपसे बदतमीजी नहीं कर रहा, अगर इंटरव्यू में बदतमीजी कर रहा है 100 फर्म्स पड़ी हुई, अगर ट्रेनिंग ज्यादा है तो फर्म्स भी ज्यादा, छोड़ दो ऐसे बंदे को। 3.5 साल तुम्हारे नाक में दम करेगा, फिर तुम सीरियस टाइप का रिव्यू लिखोगे और रिजाइन देकर बाहर निकलोगे तो रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, बेकार की बात है। कोई बदतमीजी कर रहा है इंटरव्यू में, हकीर जान रहा है, देखो कितना बिहेव कर रहा है, छोड़ दो उस ऑर्गेनाइजेशन को, वो कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगा। 4 ट्रेनिंग लग जाएंगे वहाँ, 6 महीने में छोड़ देंगे। सो बहरहाल ये थोड़ा सा यहाँ पे आपने देखनी है इस चीज़ को, कि भाई एक बंदा अगर आपको सही ट्रीट कर रहा है उसको कंसिडर करो। और एक दिन का टाइम लेने में आई गेस इतना ज्यादा कोई मसला नहीं है। अगर आपका कोई इंटरव्यू इस तरीके से होता है कि आपको एक दिन का टाइम लेना है, तो आप सिलेक्शन से पहले एक दिन का वक्त मांग सकते हैं। ये जहन बना लो कि आप सबका एक वक्त में अश्योरेंस में नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। मैं रियाद में था, वहां पे एक ऑडिट की, एक क्लाइंट की ऑडिट फी होती थी 2 मिलियन रियाल, पाकिस्तान में बहुत बन जाता है, 80 मिलियन बन जाता है, 8 करोड़ रुपए। यहाँ मेरा ख्याल हो नहीं सकता किसी क्लाइंट की 8 करोड़ ऑडिट फीस हो, तो यहाँ पे कॉस्ट भी जस्टिफाई करना मुश्किल होता है। और ऑडिट में हायरिंग काफी हद तक श्रिंक हो चुकी है, काफी हद तक कम हो चुकी है। पार्टनर अपना सर को जा रहा है कि मैं डिपार्टमेंट को प्रॉफिट में कैसे ले गया हूँ, क्योंकि ऑडिटिंग को लोग एक कंप्लायंस की तरह देखते हैं, जो कि सच्ची बात है। क्लाइंट कहता है मेरे फाइनेंशियल्स हैं, मेरे ही नंबर्स मुझे बता रहे हो, मुझे पता है मेरा रेवेन्यू कितना है, तुम मुझे बता रहे हो मेरा रेवेन्यू कितना है, ठीक है थोड़ी बहुत आपने एडजस्टमेंट निकाल ली। लेकिन अब ऑडिट में बहुत ज्यादा हायरिंग करने का कल्चर पाकिस्तान में नहीं रहा। पहले ऐसा होता था कि लैपटॉप 3 मिलते थे, जूनियर 6 मिलते थे एक टीम के ऊपर। PIA टाइप का कोई ऑडिट हो रहा है, लैपटॉप 3 है, जूनियर 6 है, लड़कियां सुबह में यूज करेंगी, मर्द रात में यूज करेंगे। ये लैपटॉप की शिफ्टें चलती थी, मैंने खुद किया, सुबह में पेन से वाउचिंग करता था, शाम में उसको लैपटॉप में फेयर कर रहा होता, तो मुझे लगता था किसी सिंध के स्कूल में आ गया हूँ यार, जहाँ पे स्कूल में लैपटॉप नहीं है, घर पे पढ़ा हुआ है, सुबह लिख के जाना है और घर पे जाके उसको फेयर करना है। सुबह ये थोड़ी सी सूरत हाल देख लीजिएगा कि सबका अश्योरेंस में नहीं होगा। थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग एडवाइजरी को लेके अपनी डेवलप कर लें कि यार वो कौन कौन से फंक्शंस हैं जिसमें पाकिस्तान में एडवाइजरी डिपार्टमेंट्स अवेलेबल हैं। टैक्स एक एडवाइजरी का एरिया है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसमें सॉफ्टवेयर आ जाते हैं ये एक एडवाइजरी का एरिया है, इसी तरीके से ट्रांजैक्शंस मर्जर एक्विजिशंस वगैरह ये एक एडवाइजरी का एरिया है। कोशिश करो थोड़ी सी इसके ऊपर रिसर्च कर लो। अगर चाहोगे कि यार इसका एक सेपरेट सेक्शन हो तो मैं यहाँ नहीं जूम पे सही 1-1.5 घंटे का सेशन दोबारा से इस चीज पे रख लूंगा कि एडवाइजरी है कितनी किस्म की। सर मैंने अपनी एक एडवाइजरी कमेटी बनाएंगे तो कुछ देख के बनाएंगे, कोई एक थॉट प्रोसेस रख के बनाएंगे, तो कितनी किस्म की पाकिस्तान में एडवाइजरीज हैं और ऑडिट के अलावा कहाँ कहाँ हो सकता है। अगर ऑडिट में होता है तो सबसे अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन एक हकीकत बात है कि हमारे पास जगह नहीं है। आपको वीडियो वाले GT वाले इंटरव्यू में बोलेंगे कि हम 1.5 साल आपको एडवाइजरी में रख रहे हैं, आखिरी के 2 साल ऑडिट में रख देंगे। आप हो सकते हैं KPMG ये बात है, आप हो सकते हैं EY ये बात है। तो थोड़ा सा इस चीज़ को स्टडी कर लो कि कौन सी एडवाइजरी डिपार्टमेंट में क्या निकलता है और उसके बाद फिर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आगे परस्यू की जा सकती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल्स वाली बात हो गई। फिर उसके बाद रही कि सर फर्म से आर्टिकल्स करें या इंडस्ट्री से आर्टिकल्स करें, ये एक मसला। बाद स्टूडेंट्स बोले फ्रेंकली स्पीकिंग आके बताते हैं कि सर ये जो स्टाइपेंड दी जा रही है ना, इससे मेरा एक्सपेंस नहीं निकलेगा।
मेरी फैमिली रहती है इंटीरियर में, मैं यहाँ होता हूँ अकेला, मुझे कुछ पैसे वहां भी भेजने, कुछ खुद भी रखने। बिल्कुल जेन्युइन केस बता रहा हूँ, इस तरह होते हैं केसेस। वो कहते हैं सर मैं इंडस्ट्री में आर्टिकल्स कर लूँ, इंडस्ट्री में मुझे इतने मिल रहे हैं, फर्म में मुझे इतने मिल रहे हैं, डबल का फर्क होता है। ये 100% गिवन बात है। लेकिन फिर करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए कि आप जिस जगह पे इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, जो भी इंडस्ट्री है, कंपनी, कोई आउटसाइड प्रैक्टिस ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरव्यू में वो आपको एक मौका देंगे कि क्या आपके पास कोई सवाल है हमारे लिए, तो इंतहाई इज्जत के साथ मौजबाना अंदाज से उनसे ये पूछ लें कि आप ये कैसे मेक श्योर करते हैं कि ट्रेनीज 6-7 साल के अरसे में मल्टीपल फंक्शंस को सीख पाएंगे। अब एक ट्रेनी को उठाया, आर्टिकल्स के लिए लिया, 3 साल तक पेरोल में छोड़ दिया, उसने पेरोल की शीट बनाई, पेरोल का ऑडिट किया, प्रोविडेंट फंड का ऑडिट करवाया, लेकिन उसका लर्निंग स्पैन क्या? सेल्स में बढ़ा क्या? प्रोडक्शन में बढ़ा क्या? मार्केटिंग में बढ़ा क्या? एचआर में बढ़ा? नहीं। अगर वहां पे रोटेशन पॉलिसी है, जैसे मैंने इंडिया में देखा था, क्लियर रोटेशन पॉलिसी थी, मैंने एक दफा इंटरव्यूज लेके उनकी इंडक्शन भी की है, लेकिन वहां पे क्लियर कट पॉलिसी थी कि 6 महीने से ज्यादा ट्रेनी एक डिपार्टमेंट में नहीं रहेगा। पास कंपनीज होती है, वहां डिपार्टमेंट से इतने नहीं होते, लेट अलोन ट्रेनी को वो रोटेट करें। अगर आपको किसी आर्टिकल, किसी ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा माहौल और रोटेशन मिल रही है कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन के मल्टीपल एस्पेक्ट्स को स्टडी कर सकें, तो फिर एक अच्छी आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी है, अदरवाइज में इतनी अच्छी आर्टिकलशिप अपॉर्चुनिटी नहीं है। और अगर जो आपका इंटरव्यू ले रहा होगा ना इंडस्ट्री में, ये वही बच्चा होगा जिसने आर्टिकलशिप फर्म से किया, उस वक्त ये आउटसाइड वाला तो प्रोसेस था भी, तो वो उस बंदे का माइंडसेट ये नहीं होगा कि यार आर्टिकलशिप वाला है, उस आर्टिकलशिप को आपको बंदे का पॉलिश होते हैं। बट अगर एक बंदा ऐसा है जो कि ये समझ रहा है कि यार नहीं मैंने फॉर्म पे रहना ही सही है, या एक बंदा ये सोच रहा है कि फॉर एग्जाम्पल मैंने एफएमसी की साइड पर रहना है, मैंने मल्टी नेशनल साइड पर रहना है, मैं यूनिलीवर पे अप्लाई करता हूँ, और मेरा आगे प्लान किसी तरह का कि मैंने यूनिलीवर पीएचडी जेनेटिक कंपनी पर काम करना है, फिर आपका रोड मैप बिल्कुल सही है। दूसरी बात ये कि जो इंटरनेशनल रोटेशन होती है, जिसको मोबिलिटी कहा जाता है, पाकिस्तान से बाहर मूव करने का जो ऑप्शन होता है, पाकिस्तान से बाहर मूव करने के लिए आपको आर्टिकल्स का एक्सपीरियंस लाजमी चाहिए होता है। यूनिलीवर अगर किसी को इंटरनेशनल रोटेशन पे बुला रहा है, तो वो सीए ट्रेनी को नहीं बुलाएगा, वो अपने मैनेजर को बुलाएगा। पीएनजी बुला रहा है, नेस्ले बुला रहा है, तो वो अपने मैनेजर्स को बुलाते हैं, क्योंकि उनको लोकल हायर्स तो वहाँ पे मिल ही जाते हैं, यूनिवर्सिटी के इंटर्न्स मिल जाते हैं, आप जैसे लोग जो ट्रेनिंग्स ले रहे हैं वो मिल जाते हैं। सो जैसा भी है, गाली खाओ, लात खाओ, जो भी खाओ, फर्म की जो आर्टिकल्स हैं वो ऑडिट परस्पेक्टिव से, प्रैक्टिस से, पाकिस्तान से बाहर जाने के परस्पेक्टिव से अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। तो इस प्रोसेस में सब्र रखना है। आप में से कुछ ऐसे होंगे जिनको 2 महीने में आर्टिकल्स मिल जाएंगे, कुछ होंगे जिनको 2 महीने में क्या 1 साल में नहीं मिल पाएगी। तो बड़ा एक्टिव रहना है लोगों को। मुझे लोग सीवीज भेजते हैं अपनी, सर मेरा 1 साल हो गया, कहीं पे भी आर्टिकल्स नहीं हुई। अच्छा ठीक है, जरा सीवी भेजना। सीवी में किसी के वलीमे की पिक्चर लगाई हुई होती है, कुछ जानू जर्मन टाइप का कोट पहना हुआ है, अजीब बिल्कुल येलो कलर की उसमें टाई आ रही है, पीछे हॉल का फ्रेम आ रहा है, और आपने पीछे गुलाब के साथ जो है वो फोटो खिंचवाई हुई, वो सीवी में लगेगी। भाई अगर आप इस तरह की सीवी लगाना चाहते हैं, तो आप ना लगाएं फोटो सीवी में। सीवी के अंदर फोटो है, बिल्कुल डिसेंट होनी चाहिए, वाइट बैकग्राउंड है, प्रॉपर टाई आ रही है, सूट आ रहा है आपका, आपकी डिसेंट सी पिक्चर आ रही है, उसमें किसी को आंख नहीं मार रहे, किसी को होंठ नहीं दिखा रहे, प्रॉपर आपकी उसके अंदर तस्वीर मौजूद है, तो वो सीवी के ऊपर फ्रूटफुल है। सही, इंडस्ट्री वर्सेस फर्म की यहाँ तक आर्टिकल्स हुई। इसके अलावा ओवरऑल लेवल पे ये चीज जरूर मैटर करती है कि आप इंटरव्यू में उनके सवाल का क्या जवाब दे रहे हैं। कभी कभी वो पूछते हैं टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो आप टेल अस अबाउट योरसेल्फ में बताते हैं मेरे 2 छोटे भाई हैं, एक बड़ी बहन है, उसकी शादी हो गई है। तो इंटरव्यू करने वाले को इस बात से क्या इंटरेस्ट है कि आपकी बड़ी बहन की शादी हो गई है। जैसे मुझसे अगर कोई पूछता है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ, तो मैं इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ कि यार माय स्कूलिंग वाज़ फ्रॉम सुल्तान शाह खान स्कूल, आफ्टर दैट आई कंटिन्यूड विद आखान हायर सेकेंडरी स्कूल। आखान हायर सेकेंडरी स्कूल में लार्जेस्ट सोसाइटी साइंस सोसाइटी होती थी, उसके बाद कॉमर्स सोसाइटी होती थी,
कॉमर्स सोसाइटी में पहले साल मैंने वॉलंटियरशिप की थी, सेकेंड ईयर में उस सोसाइटी का प्रेसिडेंट था और मैंने प्री इंजीनियरिंग और प्री मेडिकल स्टूडेंट के लिए वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज लगाया था। मैंने प्रैक्टिकली किया था, एक वर्चुअल स्टॉक एक्सचेंज थी, उस पर ढंग 6 कंपनीज थी, लोगों ने आगे स्टॉक्स बाय किए थे, डिमांड सप्लाई का रूल अप्लाई हुआ था, किसी को लॉस हुआ था, किसी को प्रॉफिट हुआ था। 2012 में किया था मैंने। जब मैं ये बात बोलता हूँ तो एम्प्लॉयर बोलता है, यार ये बंदे ने किसी को मैनेज किया अपने अंडर, 4 लोगों ने इसके अंडर काम किया, इसने कोई प्रेजेंटेशन बनवाई होगी, उनका रिव्यू किया होगा, उनकी गलतियां निकाली होंगी, यही तो करना है कंपनी के अंदर। टेल अस अबाउट योरसेल्फ में वो बातें बताओ जो तुम्हारी जॉब पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। टेल अस अबाउट योरसेल्फ में लोग कहते हैं मैंने कैफ क्लियर किया है, अभी सीवी पे दिख रहा है तुमने कैफ क्लियर किया है, तभी तो तू बैठा है यहाँ पे। ये टेल अस अबाउट योरसेल्फ में बताने की क्या जरूरत है कि तुमने कैफ क्लियर किया सही, तो वहां पे वो बातें बतानी है जो पर्टिकुलरली जॉब पर्सपेक्टिव से या एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से ओवरऑल लेवल पे इंपॉर्टेंट है सही। फिर उसके बाद वो आपसे पूछेंगे हम आपको क्यों हायर करें, तो बोलेंगे आप मुझे इसलिए हायर करें क्योंकि मैं सुबह टाइम पे आऊंगा, उसको पता है तुम नहीं आओगे 8:30 बजे, तुमने नहीं पहुंचना है, ठीक है ना, हो ही नहीं सकता। उमर भाई की सर मुर्तजा को बोलते होंगे 11:30 होंगे तो 12 तक आते होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे लोग फर्म में टाइम पे नहीं आते। वहां पर आपने उसे बताना ये है कि देखें सीखने के एतबार से तो एक ब्रेन एम्प्टी ब्रेन होता है कैफ के बंदे का, वो आता है अपनी थ्योरी को अप्लाई करता है, प्रैक्टिकल उस पर रन चढ़ता है, फिर वो करते करते एक अच्छा मॉडल बनता है, एक अच्छा काम करने वाला शख्स बनता है। आपने उस बंदे से ये कहना है कि यार आई हैव गॉट अ कैन डू एटीट्यूड, मैं सीखने के लिए आया हूँ, मुश्किल बर्दाश्त कर सकता हूँ, टीम के साथ काम कर सकता हूँ और लोगों के साथ मिंगल कर सकता हूँ। बोलेगा अच्छा मिंगल कैसे किया है, कोई वो बताओ एग्जाम्पल बताओ। फिर अपने स्कूल कॉलेज में कहीं पे पार्टिसिपेट किया हो, टीम वर्क किया हो, इस तरीके से कोई काम किया हो तो वहाँ पे आप वहाँ पे मेंशन करें। आप ये बता सकते हैं कि ठीक है यार मैं इस जर्नी पे चलने के लिए तैयार हूँ और सीखने के लिए तैयार हूँ। इससे ज्यादा तो कैफ के सारे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, कौन से इसके सर पे 2 सिंग लगे हुए, नहीं बिल्कुल नॉर्मल बैठा है आपके सामने। तो इंटरव्यू में इस तरह की कोई यूनिक बात तो अगर आपकी पोजीशन है, मार्क्स हैं, चीजें हैं, वो आप बता सकते हैं, कोई इसमें ऐसा मसला नहीं है। लेकिन ओवरऑल लेवल पे एक एटीट्यूड वाली बात या पर्सनैलिटी वाली बात अगर प्रेजेंट करोगे तो उसके दिल को छुएगी, क्या ये लड़का कुछ अलग बात कर रहा है, खातून कुछ ऐसी बात कर रही है जिससे उसे सिलेक्ट किया जा सकता है। अगर वो आपसे पूछ रहे हैं कि हमसे कोई सवाल पूछे तो उन्हें कोई ऐसा उठपटांग सवाल नहीं पूछेगा कि आप महीने में कितना कमा लेते हैं, तो बोलेगा भाई ये क्या कर रहा है, मेरी सैलरी पे नजर मार रहा है। आपने उससे ये पूछना है कि ये बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी के साथ जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में आ रही है, आप इस चेंज को कैसे देख रहे हैं। माँ बोलेगा अरे दादा क्या सवाल पूछ लिया ऐसे, क्योंकि पार्टनर ने बेचारे ने बिटकॉइन ढंग से नहीं पढ़ा, उसे नहीं पता कि क्रिप्टो करेंसी आने के बाद उसे ट्रांजेक्शन को ऑडिट करने को मिलेगा नहीं, सारा कुछ डिजिटली डॉक्यूमेंटेड होगा। इस तरह की कोई बात पूछें जिसमें उसे अच्छा लगेगा यार इसने कोई पढ़ा लिखा सवाल पूछा है, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान के सोशल अफेयर्स, जीडीपी की ग्रोथ कहाँ जा रही है, इन्फ्लेशन कितने डिजिट्स में, IMF के लोगों के साथ क्या मसला चल रहा है, ये चीजें आप लोगों ने पढ़ के जानी है। क्योंकि पार्टनर आपका इंटरव्यू लेने के लिए FAR2 रिवाइज करके नहीं आएगा, वो या तो वो चीज आपसे पूछेगा जो उसने सुबह अखबार में पढ़ी होगी या वो चीज पूछेगा जो रिसेंटली उस क्लाइंट पे अप्लाई हुई हुई होगी सही। तो सिंपल सी बात 2-3 बातें करके बस मैं अपनी गुफ्तगू को मुकम्मल करता हूँ, फिर एक दो सवाल बस ले लेते हैं। 1 subject 15 minutes 1 day, तुम्हारे 3-4 कोर सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंटिंग है यानी रिपोर्टिंग जिसको कहते हैं, ऑडिटिंग है, टैक्स वाला एरिया है, लॉ वाला एरिया, ये 4 ही कोर है। 15 मिनट में एक दिन के अंदर जितना रिवाइज कर सकते हो वो कर लो, और बिल्कुल पढ़ना नहीं, स्कैन नहीं करना, स्किम करना, एक एक पेज को देखते चले गए, मेजर मेजर स्टैंडर्ड्स हैं, मेजर मेजर क्राइटेरिया है, हाँ भाई I/36 का क्या क्राइटेरिया था, रिसर्चर उसमें क्या फर्क था डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग लीज फाइनेंसिस का क्या डिस्ट्रिक्शन है, IFRS 15 में कौन से 5 points हैं, बोरिंग कॉस्ट कब जो है वो कैपिटलाइज होती है, I/16 का कौन सा क्राइटेरिया है, इस तरीके से आप घुमाते हुए चले गए। 15 मिनट एक सब्जेक्ट, 15 मिनट रिपोर्टिंग, 15 मिनट लॉ, 15 मिनट टैक्स, 15 मिनट आपका जो है ऑडिटिंग, 4 subject 15-15 मिनट में जितने कर सकते हो 1 घंटा बस देखना है, शायद इंटरव्यू में सवाल आ जाए। लेकिन इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर, एक्सचेंज रेट्स के ऊपर, पाकिस्तान के पॉलिटिकल हालात के ऊपर, इमरान खान की डूबती कश्ती के ऊपर आपसे लाजमी सवाल इंटरव्यू में होगा, क्योंकि ये हॉट टॉपिक्स हैं और फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग, फर्म के पार्टनर्स वगैरह इन चीजों को पढ़ते बार रहते हैं। तो ये टेक्निकल साइड और एट द सेम टाइम ये आपकी सॉफ्ट स्किल्स वाली साइड हो गई। फिर दूसरा जो यूट्यूब के ऊपर टेकटॉक्स आते हैं, TED टेकटॉक्स, अगर उसकी कुछ वीडियोज डेली बेसिस पे देख सकते हो तो उससे तुम्हारी थोड़ी स्पीकिंग और बात किस तरह करनी है, कन्वे किस तरह करना है, ये वक्त के साथ इंप्रूव होगा, क्योंकि जितनी लिसनिंग करोगे स्पीकिंग इंशाल्लाह ताला इतनी अच्छी होगी और ओवरऑल लेवल पे एक इंप्रूवमेंट आएगी उसके अंदर। फिर अगर आपस में डेमो कर सकते हो एक दूसरे पे हंसे बगैर तो इंटरव्यू का डेमो करो। मैंने ऐसे भी लोगों को गलती करते हुए देखा है कि वो पार्टनर खड़े हुए, उन्होंने हैंडशेक करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया,
अब या तो हाथ उनका ये हो रहा है या वो टेंशन में पार्टनर का हाथ ही दबा देते हैं, बोलते चल साथ, तूने ऐसा सवाल पूछा कैसे मुझसे, मेरे साथ चल। तो बहरहाल बड़ा फर्म हैंडशेक करना है, उसको हिला के उसके ग्लास पे फेंक नहीं देना है, बिल्कुल फर्मली उनके साथ हैंडशेक करना है और अपनी चेहरे के ऊपर स्माइल रखनी है। मेरा इंटरव्यू था 11:15, मुझे रूम में बुलाया था सलमान ने इंटरव्यू के लिए 3:15। मैं 3.5 घंटे बाहर बैठा था और उस वक्त मैं पढ़ा के एक ये जो स्टाइपेंड होती है ना उससे बहुत अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा कमाता था इस स्टाइपेंड से। उस वक्त जब मैं ट्यूशन वगैरह प्राइवेट पढ़ाता था, मुझे इतना गुस्सा आया था कि यार इसके लिए मैं 3.5 घंटे बाहर बैठा, लेकिन जब 3.5 साल बाद बाहर निकला तो 3.5 घंटे वो वर्थ इट, उसे बड़ी इज्जत दी और आज तक दे रहा है। आज भी हम किसी को बता दें चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो बोलते हैं यार आपके 2 और आंखें हैं पीछे, कहीं दूसरी मखलूक साहब आए, अभी भी ये इंप्रेशन है, अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। सो इस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, सीवी बनानी है, इंटरव्यू के लिए अपने आपको तैयार करना है, फर्म वर्सेज इंडस्ट्री आर्टिकल्स की सोच ऐसे डेवलप करनी है, इंटरव्यू में क्या बिहेवियर रखना, ये सारी चीजें। फिर भी अगर कोई सवाल हो एनीथिंग, हाँ